देखो, हमारे गेम में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बट उनमें से कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको बीआर यानी फुल मैप को नजर में रखते हुए बनाया गया था। उनका स्किल और एबिलिटी क्लास स्क्वाड से ज्यादा फुल मैप यानी बैटल रॉयल में बेस्ट है, जिनको यूज करने से आपको ज्यादा फायदा मिलता है। तो यार, आज का वीडियो होने वाला है टॉप 10 बेस्ट बीआर कैरेक्टर के ऊपर। एंड ट्रस्ट मी गाइस, नंबर 10 वाले कैरेक्टर को मिस मत करना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो हमारे लिस्ट में पहला नंबर में जो कैरेक्टर आता है, मेरे हिसाब से हर एक फुल मैप प्लेयर को इसको अपने कॉम्बो में रखना ही चाहिए, जो कि है नायरी कैरेक्टर। देखो, नायरी क्या करता है वो जानने से पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि फुल मैप जो होता है ना, वो क्लास कोड से कितना अलग होता है। देखो, तुम्हें इतना तो पता होगा, क्लास कोड का जोन उस जगह पर बनता है जहां पर बहुत सारे घर होता है, जहां पर एनिमी के गोलियों से बचने के लिए तुम्हारे आसपास में बहुत सारे कवर्स होता है। बट वहीं पर अगर तुम फुल मैप खेल रहे हो, तुम्हें बंदा कहीं से भी और कभी भी मार सकता है। तो देखो, फुल मैप में नायरी को यूज करने का फायदा ये है, ये तुम्हारा ग्लू वॉल का मजबूती को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अगर ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर आप खुले में हो एंड एनिमी आपके ऊपर फायर करने लगता है, तो ऐसे टाइम में नायरी इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो कि आपका जान को बचा सकता है। एंड ऊपर से एनिमी अगर आपके वॉल के ऊपर गोली चलाता है या फिर आप खुद अपने वॉल पर गोली चलाते हो, तो आपको एक ग्लू वॉल से 40 HP मिलेगा। ये भी नायरी की एबिलिटी है। ओके, नंबर 2, मारो कैरेक्टर। देखो, ये एक ऐसा अंडररेटेड कैरेक्टर है जिसको बहुत कम बंदे यूज करते हैं, बट जिनको इसके एबिलिटी के बारे में सही से पता है ना, वो बंदे जानते हैं कि ये कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। देखो, फुल मैप में सबसे ज्यादा लॉन्ग रेंज या फिर थोड़ा सा मिड रेंज फाइट होता है, क्योंकि उसमें मरने का चांस थोड़ा सा कम रहता है। बट दिक्कत क्या है पता है, जब भी बंदा दूर होता है उसके ऊपर गोली का डैमेज बहुत कम पड़ने लगता है। बट अगर आप मारो कैरेक्टर को यूज करोगे तो इसका काम ये है, एनिमी जब भी आपसे दूर होगा, ये एनिमी को ज्यादा डैमेज देता है। अरे छोटा मोटा नहीं, ये 25% डैमेज को बढ़ा देता है। और सोने पे सुहागा, अगर एनिमी मार्क है तो ये और भी ज्यादा डैमेज बढ़ा देता है। तो अगर तुम फुल मैप खेलते हो तो मारो को अपने कॉम्बो में एक बार लगाकर जरूर। ओके, नंबर 3, मिसा। ये फुल मैप प्लेयर्स के लिए वरदान से कम नहीं है। देखो, एज ए फुल मैप प्लेयर तुम्हें बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लाइक जोन के बाहर से अंदर आना या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना जहां पर एनिमी छुपकर बैठे होते हैं। तो मिसा क्या करेगी, आप जब भी कोई भी गाड़ी चलाओगे, उस गाड़ी का स्पीड को 10% बढ़ा देती है। एंड मिसा की और भी 2 एबिलिटी है, जिसमें मिसा लेकर गाड़ी चलाने से एनिमी आप पर आसानी से टारगेट करके आपको मार नहीं सकता। एंड अगर एक दो गोली मार भी देता है ना, आपको 20% कम डैमेज पड़ेगा। खास इसलिए जो बंदे रैंक पुश करते हैं ना, उनमें से ज्यादातर बंदे मिसा को अपने कॉम्बो में जरूर रखते हैं। ओके, गाड़ी की बात चल रहा है तो एक और कैरेक्टर को कैसे भूल सकते हैं, नंबर 4, नोटोरा। देखो, अभी ये मत बोलना तुम्हें ये भी पता नहीं है कि इससे अनलिमिटेड HP मिलता है। देखो, नोटोरा को लेकर जब भी तुम किसी गाड़ी में बैठोगे या फिर गाड़ी को चलाओगे, ये हर 2 सेकंड में 5-5 HP करके आपको देती रहेगी। मतलब HP यार, बड़ा हरामी हो बेटा। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे गाड़ी में तुम्हारे जितने भी टीममेट्स होंगे उनको भी HP मिलता रहेगा। एंड इसकी कोई कूलडाउन टाइम ही नहीं है, मतलब ये अनलिमिटेड आपको HP देती रहेगी, बट कंडीशन ये है, तुम्हें गाड़ी में बैठना पड़ेगा। ओके, नंबर 5, केली कैरेक्टर। देखो, जो पुराने बंदे होंगे जो कि गेम को काफी दिनों से खेल रहे हैं, वो लोग केली को कभी भूल नहीं पाएंगे, इतनी ज्यादा पुरानी कैरेक्टर है। देखो, केली को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये है, ये आपका स्प्रिंटिंग स्पीड को बढ़ा देती है। मतलब नॉर्मल कोई कैरेक्टर जितना तेज भाग सकता है, केली उससे 6% ज्यादा तेजी से भाग सकती है, नो डाउट, जिसके वजह से आपका स्पीड फाइट के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसमें आप एनिमी को चकमा देकर मार सकते हो। एंड इसके अलावा, जैसे कि आपको पता होगा कि केली एक इलाइट कैरेक्टर है, तो केली के पास एक और भी एबिलिटी है। देखो, जब भी तुम केली लेकर 4 सेकंड भागने के बाद रुकोगे एंड पहला गोली किसी बंदे को मारोगे, तो वो गोली 106% ज्यादा डैमेज देता है। क्या आपको इसके बारे में पता था, कमेंट करके बताना। ओके, नंबर 6, लुकेटा। लुकेटा एक ऐसे कैरेक्टर के ग्रुप में आता है जो कि सिर्फ फुल मैप के लिए ही बनाया गया था। देखो, अभी ये लुकेटा क्या करता है, हमारा जो HP स्लॉट होता है, जो 200 का होता है, उसको 250 कर देता है। बट उसको ये करिश्मा करने के लिए 2 किल करना पड़ेगा। जैसे ही आप 2 किल करोगे, आपका HP स्लॉट जो है 250 का हो जाएगा। मतलब यार, आप खुद ही बताओ यार, अगर तुम्हारे पास 250 का HP है और तुम्हारे सामने वाला जो बंदा है उसका 200 HP है, तो किसका मरने का चांस ज्यादा है, बताओ यार। ओके, नंबर 7, लियोन कैरेक्टर। हाँ, इसके बारे में काफी बंदों को पता होगा। देखो, एज ए फुल मैप प्लेयर कभी कभार ऐसा भी होता है, हमारे पास ज्यादा मेडकिट ही नहीं होता है। कहीं बार ऐसा सिचुएशन भी आता है जहां पर एक भी मेडकिट तुम्हारे पास नहीं होगा। अभी देखो, ये CS तो नहीं है कि हर राउंड के स्टार्टिंग में तुम्हें फ्री के मेडकिट मिल जाएगा, BR में ऐसा नहीं होता है, और बिना मेडकिट के सर्वाइव करना इम्पॉसिबल होता है। यहाँ पर अगर तुम लियोन को यूज करोगे तो ये क्या करेगा, अगर आप कहीं से डैमेज हो जाते हो तो आपको ये फ्री में 60 HP दे देता है। अभी आप एक ऐसा सिचुएशन देखो जहां पर तुम कहीं पर ऊपर लैंड किए हो, तुम्हें नीचे भी जाना है और
तुम्हारे पास एक भी मेडकिट नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में लियोन तुम्हें एचपी देकर तुम्हें बचा सकता है। देखो ये तो हो गए सारे पैसिव स्किल्ड कैरेक्टर, अभी बात करते हैं कुछ एक्टिव कैरेक्टर की जो कि मेरे हिसाब से फुल मैप के लिए वन ऑफ द बेस्ट होने वाले हैं। तो नंबर 8 में जो कैरेक्टर आता है वो है के कैरेक्टर। अभी के कैरेक्टर का एबिलिटी क्या है ये तो तुम्हें बताने का जरूरत है नहीं, अभी इतना तो तुम्हें पता होगा के का स्किल को ईपी मोड पर रखने पर ये आपको अनलिमिटेड ईपी देता रहता है जब तक आपका ईपी फुल ना हो जाए। एंड उसी बटन को एचपी पर रखने पर जब भी आपका एचपी खत्म होता है के क्या करता है उस ईपी को सुपर फास्ट एचपी में बदलकर आपका हेल्थ को फुल कर देता है। ये एक ऐसा ऑलराउंडर कैरेक्टर है जिसको तुम रैंक पुश करने के टाइम कैंपिंग करके खेलने के लिए भी यूज कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हें रस करके खेलना भी पसंद हो तो के कैरेक्टर तुम्हें रस गेम प्ले करने के लिए भी मदद करता है। ओके नंबर 9 उकोंग कैरेक्टर। देखो इसके बारे में कुछ बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं ये मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है। नो डाउट उकोंग को आप क्लास कोड में भी यूज कर सकते हो या फिर कोई भी गेम मोड में यूज कर सकते हो, बट ये आपको सबसे ज्यादा फायदा खुले मैदान में ही देता है। आप उकोंग का यूज करके बंदे को कंफ्यूज करके मार सकते हो। देखो सपोज तुमने एक बंदे को देखा एंड तुम ये चाहते हो कि बिना उसके नजर में आए तुम उसको मार दो एंड उसको पता ही ना चले, तो उकोंग का झाड़ी यहाँ पर काम में आता है। तुम लिटरली मैप के अंदर कहीं पर भी छुप कर बैठ सकते हो, एनिमी तुम्हें देख ही नहीं पाएगा। और बाकी उकोंग का एबिलिटी तो तुम्हें पता ही होगा, ये इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिसको तुम बार बार लगातार यूज कर सकते हो। अब ये मत बोलना कैसे करना है। ओके नंबर 10 एंड लास्ट ज़ेन। इसका नाम तो कई बंदे पढ़ नहीं पाते हैं, एबिलिटी दूर की बात है। देखो ज़ेन कैरेक्टर का बहुत सिंपल एबिलिटी है, जब भी आप इसका स्किल बटन को दबाओगे ये आपको टेम्पररी यानी 12 सेकंड के लिए उधारी में 60 एचपी देता है समझो। मतलब अगर आपके पास 200 एचपी है तो 12 सेकंड के लिए आपका 260 एचपी हो जाएगा, एंड ये 12 सेकंड के बाद धीरे धीरे कम भी हो जाता है। बट भाई 12 सेकंड कम नहीं है, उसमें आप एक पूरी स्क्वाड को भी निपटा सकते हो। एंड ऊपर से ज़ेन का एक और भी एबिलिटी है, उसी 12 सेकंड के अंदर अगर आप कोई ऐसा चीज यूज कर रहे हो जो कि आपको एचपी दे सकता है, लाइक ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको एचपी दे सकते हैं, उनका पावर भी 12 सेकंड के लिए बढ़ जाता है, वो आपको उस टाइम ज्यादा एचपी देंगे। एंड आप मेडिकेट यूज करने पर भी आपको 75% ज्यादा एचपी मिलेगा। अभी आप सोचो इतना ज्यादा एचपी के साथ किसी बंदे के ऊपर अगर आप रस करोगे भाई वो तुम्हें मारता ही रह जाएगा, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो तुम्हें 200 का हेडशॉट भी क्यों ना दे दे तुम तभी भी नहीं मरोगे। अभी अगर तुम्हें फुल मैप के लिए एक बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बो चाहिए तो राइट वाली वीडियो को देख लो। क्या मतलब राइट में कोई वीडियो नहीं है, क्योंकि गाइस 2 दिन के बाद आपको कॉम्बिनेशन वीडियो यहां पर मिलेगा, अभी सो नहीं कर रहा है। तब तक के लिए ये लेफ्ट वाली वीडियो को देख लो अगर आपको ये जानना है कि सीएस रैंक में हर गेम आपको कैसे जीतना है। एंड मैं मिलता हूं आपसे किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।